मऊ जिले के कोपागंज मंडी समिति में प्रतिदिन का लाखों रुपए का राजस्व वसूली का घाटा सामने आया है। राजस्व के घाटे के मामले का पर्दाफाश उस समय हुआ जब जिले के घोसी लोकसभा से बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर आज मंडी समिति का औचक निरीक्षण करने आए। मंडी समिति के सचिव से लेकर अध्यक्ष तक सभी कार्यालय में ताला जड़कर फरार हो गए थे। वहीं सांसद महोदय मंडी समिति का निरीक्षण करने आए, उसके साथ ही मंडी में अपना कारोबार करने के लिए आने वाले किसानों की समस्याओं को सुनकर उन्हें आश्वासन भी दिया। बता दें कि मंडी में आने वाले किसानों से मंडी समिति की तरफ से उनमें 10 रुपए का टैक्स लिया जाता है, लेकिन उसकी कोई रसीद मंडी समिति की तरफ से किसानों को नहीं दी जाती। इसके अलावा मंडी समिति के चेक पोस्ट पर आने वाले वाहनों की एंट्री रजिस्टर में बकायदा की जाती है, जिसको सांसद ने चेक किया तो उसमें केवल 14 वाहनों के अंदर आने की रसीद को दर्ज किया गया था, लेकिन जब सांसद ने इसका निरीक्षण किया तो 32 वाहन अंदर मिले। इस प्रकार से मंडी समिति के प्रतिदिन सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है, और जब उसकी जांच सांसद करने पहुंचे तो मंडी समिति का सचिव ताला बंद कर फरार हो गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर सांसद ने कहा है कि वे औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर तमाम खामियां मिली हैं, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट की मिलीभगत से ये सारा कारोबार हो रहा है। वहीं मंडी समिति में कई तरह की खामियां मिली हैं, जिनमें मंडी में अपना कारोबार करने वालों को गंदगी से दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा पेयजल की समस्या भी है। हालांकि इस मुद्दे पर किसानों की तरफ से सांसद महोदय को कई परेशानियां बताई गई और उनसे कहा गया कि इसके निदान के लिए भी उपाय किए जाएं। देखिए ये रिपोर्ट। बड़ा घाटा है, हमको खामियां मिली है। जनता के शिकायत पर आज मंडी को हमने विजिट के रूप में देखा है, तो जितने गाड़ी मौके पर 14 आवती पावती होती है इन लोगों की, 32 गाड़ी आई है ना। अच्छा, अब मात्र 14 गाड़ी का इन लोगों ने एंट्री दिखाया है, बाकी सबका इसे प्राइवेट वसूली हो रही है इन लोगों की, सचिव और जितने स्टाफ है। अब इसमें ऊपर नीचे जो जो लोग हों, बाकी हमारे समझ से अब इसी का हिसाब जोड़ लीजिए, रोज कितना किराया है, अब लोग हम हिसाब करके बताएंगे। और 10-10 रुपए ये लोग असूल करते हैं, जो बोरा पीछे उन लोगों से जो किसान यहाँ से ले जाता है उसकी रसीद दे लो, नहीं देते मान वो भी चोर बाजारी में जाता है। माना जाए कि मंडी समिति जो है लाखों रुपए का प्रतिदिन का राजस्व का घाटा है। सिटी मजिस्ट्रेट है। उनसे भी आपकी बात हुई, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने हमने कहा कि आपके मार्केट में मैंने आया हूँ तो बहुत बड़ा घोटाला है, तो बस सुन के रह गए। हमने कहा कि आना हो तो आ सकते हो, अब क्यों कहें कि तू आईबे करो, तो उनका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। हमारे समझ से प्रशासक के ही हाथ से सब इतना बड़ा लूट हो रही, जिसमें कौन थे? सिटी मजिस्ट्रेट इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार है। नहीं, ये मंडी जो है 7 बजे खुलती है, इसका डेट है, क्योंकि 12 बजे तक तो एकदम खत्म हो जाती है। बाकी जब हम लोग आए हैं तो खुली रही, जब हम लोग उधर चेक इन करने गए तो सारे सब ऑफिस वाले छोड़ के बंद कर, क्योंकि हमें पुराना रिकॉर्ड मांगना पड़ता, उनको देना ही पड़ता, बाकी वो भग गए सब। घाल मेल है, बहुत घाल मेल है, एकदम से तो लग रहा है। नहीं साहब, हम लोग आते हैं तुरंत बेचते हैं और मांगते हैं, ये 10 रुपया। कितने किसान लोग आते हैं? 2000 पकड़ लीजिए, बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अरे 2-2.5 हजार से कम नहीं, लगभग 2000।
नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।